जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे हम कि YouTube का कैसे पता करें कि हमारा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। तो आइए हम उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल में और यहाँ हम टाइप करेंगे YouTube एनालिटिक्स, जैसा कि मैं यहाँ लिख रखा हूँ। यहाँ पर अभी इसको टाइप करेंगे, YouTube एनालिटिक्स आ गया जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अब हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल के आएगा, ऐसे खुल गया। अब ये लोड हो रहा है। अब ये खुल करके आ गया YouTube एनालिटिक्स। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ ये देखिए खुल के आ गया। यहाँ चैनल है, ये जो आइकन देख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए। क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर दिया। इस तरह से हमारा एक चैनल खुल के आ गया। इसमें आप ऐसे देख सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। ऐसे इसमें ऐसे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं ऐसे। अब मान लिया हमको पता करना है कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए तैयार है कि नहीं है, तो हम आएंगे एनालिटिक्स पर। यहाँ पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से खुल के आएगा। ऐसे इसमें सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इस महीने में कितना आपका वॉच मिनट है, कितना आपका, सॉरी बैक जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा ओवरव्यू, रियल टाइम रेवेन्यू रिपोर्ट, एड रेट, ये सारी चीज़ें ऐसे इसमें दिखाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, आपका वीडियो कहाँ से किस कंट्री से लोग आकर के देख रहे हैं और किसके माध्यम से आ रहे हैं, ये भी चीज़ें इस पर दिखाएगा। ये देखिए ऐसे करके है, लिख रहा है कि वॉच टाइम मिनट 1880 मिनट 28 दिन के अंदर, और व्यू 1076 व्यू है, ये 28 दिन के अंदर का दिखा रहा है। अब हमको मान लिया देखना है हमारे चैनल पर, हमको पता करना है कि हमारा चैनल तैयार है कि नहीं मोनेटाइजेशन के लिए। तो हमारे चैनल पर, चैनल पर आने के बाद देखिए यहाँ लिखा है अपलोडिंग मोनेटाइजेशन। हमको मोनेटाइजेशन ही देखना है, इसको यहाँ ऊपर कर देते हैं। हमको मोनेटाइजेशन ही देखना है। अब देखिए जैसा मेरे यहाँ लिखा है कि डिसेबल मोनेटाइजेशन ऑन दिस अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल ड्यू टू इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, यानी ये मेरा मोनेटाइज एडसेंस मुझको मिला हुआ था और यहाँ लिखा डिसेबल, एडसेंस मिला हुआ था लेकिन इनवैलिड क्लिक के कारण मेरा एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो गया है, जिसके कारण यहाँ लिख दिया डिसेबल। यहाँ लिख दिया डिसेबल, ये देख रहे होंगे यहाँ लिख दिया डिसेबल, जिसके कारण ये अब मोनेटाइज नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या क्या सुविधाएं मुझको मिल गई हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगा, एम्बेड लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगा, एक्सटर्नल, उसके बाद कस्टम थंबनेल, यानी मैं थंबनेल्स जो होता है उसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। हाँ एम्बेड कर सकता हूँ। यहाँ देखिए लॉन्गर वीडियो है, अनलिस्टेड वीडियो है, और उसके बाद मैं कंटेंट आईडी अपील्स के लिए, मैं चैनल मेंबरशिप के लिए, इतनी चीज़ों के लिए मतलब मैं
अथराइज्ड हूँ। बाकी आपको चेक करना तो इस तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं। आप जाएंगे चैनल में, पहले जाएंगे यूट्यूब में, यूट्यूब में जाके आप लिखेंगे यूट्यूब, गूगल में जाके लिखेंगे यूट्यूब एनालिटिक्स, उसके बाद में आ जाइए इस तरह से आपका खुलेगा। उसके बाद चैनल में आइए, स्टेटस एंड फीचर्स में आइए, ये आप ऐसे देख सकते हैं। वीडियो मैनेजर को देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये देख सकते हैं। अभी ये लोड हो रहा है, इस तरह से आपका वीडियो दिखाएगा। और इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि कॉपीराइट किसी पर है कि नहीं है। अगर कॉपीराइट रहेगा जिस वीडियो पर, उसके सामने लिखा रहेगा सी, गोले में लिखा रहेगा सी, और उसके आगे भी लिखा रहेगा कॉपीराइट स्ट्राइक। मेरे पर अभी नहीं दिखा रहा है, आगे देख लेता हूँ, हो सकता है किसी पर होगा तो दिखाएगा। आप भी ऐसे देख सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आया रहेगा किसी वीडियो पर तो इस तरह से आप देखिए। देखिए यहाँ मेरे पर दिखा रहा है, ये कॉपीराइट स्ट्राइक का चिन्ह है, ये है, ये है, लिख रहा है इंक्लूडेड कॉपीराइट कंटेंट, इंक्लूडेड कॉपीराइट कंटेंट। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक और है मेरे पास, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस तरह से ये लिख के आता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आप पर है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से बचना है तो हमको दूसरे के ऑडियो को, दूसरे के वीडियो को अपने पर नहीं लगाना है, अपना खुद का बनाया हुआ वीडियो लगाएंगे जिससे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो अगर साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।